शीस मेरा न करे अरे वाला कोई मेहंदी पुराई कैसेट के सौजन्य से राजपूत कैसेट के माध्यम से एक नवीन कथा हम आप लोगों के समक्ष लेकर के जो चल रही हैं। किस्सा ये राजा ग्रंथ के नाम से है, जो पति और पत्नी में प्रेम के कहानी के ऊपर जो लिखा गया है कि पति और पत्नी में कितना हित था, फिर एक दूसरे के पीछे एक दूसरे ने कितनी मुसीबतें उठाई। तो आ जाइए राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस्सा राजा ग्रंथ का पहला भाग। महाराज जो ग्रंथ नाम का एक राजा था, सुंदर राजा ग्रंथ पढ़ो आनंद महल में भाई, घर में इकलौता बेटा है के खुश है घर में माई।
राजा जो था उसके घर में एक ही लड़का था, और जब वो राजा कुछ समय के बाद में खत्म हो गया, और जब राजा खत्म हो गया है तो वह लड़का की शादी जो होती कुछ और तरीका से कर रही होती, जब वो पालना में हतो छोटो हतो तब शादी कर रही होती, लेकिन शादी करबे के बाद में भी राजा जो हते सो तो खत्म हो गए। अब धीरे 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 वो लड़का जो हतो लला सो कछ बड़ो भाव, और जब लड़का बड़ो भाव अपनी माँ के पास रहता रहा, अब बेटा सियानो जब भाव सुनो मित्र चितलाए, एक दिवस निज मात से तो केहन लगो समझाई। एक दिन माने कहा देखो है कि बाको एक दोस्त जो हतो सो अपनी विदा करवाए के घरे लाओ, शिकार खेल रहे खेल जब राजा को लड़का गाओ तो बाने और दशा देखी, कहूं रथ पे काव की बहू जाए रही है, काव की पालकी में बैठ के जाए रही है लला, जब जब दशा देखी सोई बुआ अपनी मैया के पास, और बोलो मैया एक बात हमें बता दे, कहा कि शादी सब की हुई गई अरे मेरी मैया, सबकी शादी हुई गई लेकिन मैया तुम्हें हमाओ ब्याह करीबे की चिंता ही ना है, जिंदा जो होते मेरे बाबू लाए रे मेरी माता, लड़का बोलो जिंदा जो होते मेरे बाबू लाए रे मेरी मैया, मेरी शादी ले तेरा चाहिए, लड़का ने कही आज हमारे पिता जिंदा होते तो हम कुआरे ना घूमते मैया, और जैसी जब बात तो माँ ने सुनी बेटा की बातें सुनने की लाल की अरे बलमा जी, कोई मैया की रीति गसा खाई जी, कही कि बेटा घबराए ना, अब तू ऐसी बात न करे, लड़का बोलो मैया अगर हमारे पिता होते तो हम ऐसे ना घूमते, अब लो हमारा ब्याह जरूर हो जातो। इतनी बात सुनबे के बाद में आज वह माँ को अपने पति की याद आई गई, और माँ ने तुरंत ही जो है अपने लड़का को गोदी में लो लला, पारो छोड़ के तो मैं था
आज तू हमें ऐसे ताने मार रहो है। ते पिता हमें छोड़ के चले गए और तो बारो छोड़ के चले गए, लेकिन तुम्हारी शादी जो भाई है अबे ना है बारे पे भाई है पालना में। और पालना की जब बात सुनी तो लड़का ने जो कही मैया एक बात हमें और बताए दे। अरे बारे पे शादी भाई, अरे मेरी भैया ताको भेद कहरी पूछन लगो मैया अगर हम बारे पे ब्याह भाव है तो मुझे बताए दे। राह बताए दे सासू नारी की, अरे मेरी माता हम आबे बहुली भाई जी। हमें ना मालूम शादी में बेटा, शादी में नाई कहो अरे मेरे लाला, कोई पूछ लियो बस हाल जी। हमें जब बताए दे अगर हमारे बाहरे पे ब्याह हो मैया तो हमारी ससुरार कहाँ है, ससुरार को हमें पतो बताए दे तो हम विदा करवाए लाए गोनो करवाए लाए। और घर में तुम्हारे ऊपर वृद्धा बसता है, कमजोर होती चली जाती, घर में काम ज्यादा है, सोई जवाब दो बेटा हमें तो ना मालूम। ऐसो करियो तुम्हारा के जब मोहल्ला में जो एक नाई रहा तो है ना, वो नाई तुम्हारी बरात में और तुम्हारी बस शादी में गौ हतो, वो नाई से पूछ ले। इतनी सुन के लड़का जो हतो सो तुरंत ही लला धरे भाजो, सोचन लगो अब विदा के बिना अब कहाँ चैन है। सब लड़का जो हतो अरे नहीं बेटा नी देर लगाई पहुंच गयो जाते वो माँ की बात सुन के अब लड़का चलो नाई के पास पहुंचो, दो हाथ जोड़े के बोलो एक बात हमें बताए दियो। तो नाई बोलो बताओ, पूछो तुम राजा के लड़का हो बताओ हमें जब बताए दो के कौन देश शादी भाई अरे मेरे चाचा।
हमें जब बताओ कौन काम साबी भाई अरे मेरे चाचा कोई बीजो विदा कराई अरे कौन दे साबी भाई अरे मेरे चाचा शादी कहां से भाई तो नाई बोलो लला गाँव ना जाने ससुरार को अरे मेरे बेटा नाई ने कही गाँव ना जाने ससुरार को अरे मेरे बेटा कोई रास्ता दी है बताओ हमारी ससुरार कहाँ है तो नाई ने पुचकार के कही लला अब बस ससुरार बाओ हम गांव तो भूल गए गांव तो हम भूल गए अब ऐसो करो हम तुम्हारे संग चले चले और संग चले के तुम्हारी विदा हम करवा ले। अब लड़का जो है तो सो नाई को संग लेके चलो और जब नाई को संग लेके चलो है आगे को बड़ो है तो अपने दोस्त को पठान को बने संग करो और जो दोस्त पठान है तो सो संग चलो है ससुरार को विदा कराए के लिए बन जा कही के ऐसो करो कस दूर लो तो संग हो यही हो फिर हम अपे ससुरार चले जाए तुम अपे ससुरार चले जाइयो तो एक चौराहे पे जी पहुंच गए तीनों जब चले हैं राजा को लड़का नाई और पठान जे तीनों जब चले हैं और आगे बढ़ के एक शहर में जब पहुंचे हैं तो जवाब दो है कि ऐसो कर भैया अब चौराव जो है ना अब हमारी ससुराल की तो रत्ता जाओ ते मैं वही है ना थोड़ी दूरी हाँ और तुम ऐसो करो तुम अपने ससुराल जाओ तुम चले जाओ दो दिन में तीन दिन में जब आओ तो मिलियो जब चौराहे पे जो तुम ना बाबू से विदा कराए के आ जाओ तो ले हम जाइए ना जब पठान ने कही अबू तो हतो से चलोगो एक चौराहे पहुंच के पठान कई समझाई हम अपने ससुरार की अब लगाए पठान ने जब कही हम तो अपने ससुरारे को जाते तुम अपने ससुरारे को जाओ अब पठान अपने ससुरारे को चलोगे लेकिन वायदा जो करेगा कल ले वहां रुकियो परों बेदा कराए लियो और यही रहियो चौराहे पे मिलियो हमें जब कही के पठान चलोगे अब नाई अब राजा को लड़का कहां पहुंचो अपने ससुरारे तो घरे ना पहुंच पाए थी खेतन में सीधे हो गए और खेतनम में जब सीधे हो गए सो बिन ने कहा देखो कि एक लड़की जो है वह खेत में बैठी है और वह लड़की लड़की ना हती ओ नहीं की पत्नी हती हाँ कोई कहू जान तो हतो ना पहली बार देखो हतो तो अब लड़की की ज्यादा सुंदरताई देख के अब लड़का बोलो चाचा नाई से अब ने रुक जाओ हमने तो बातें जैसे करें तो नाई जो हतो से बोलो देखो लला बेमतलब की बातें अच्छी ना है हाँ पर आए गाँव में ही ना जान न पहचान कहू से कछु कहो कोई रेसो ही जाए तो नाई हतो सो तो अलग हटी गो जो कही कह लो जो कछु कहो सो
अब लड़का ब लड़की के पास ढाड़ो भाव और एक बात पूछी किनने बबाई ताई चूना री अरे मेरी लड़का बोलो किनने बबाई ताई चूना री अरे मेरी प्यारी कोई किनने कढ़ाई तो लब्बो लड़का ने जब पूछी तो लड़की बोली तुम्हें का मतलब मतलब कछु ना बता दे तब लड़की बोली बबुला बबाई दाई चूना री अरे परदेसी कोई पिराना कढ़ाई तो लंबो टाणा जी अरे बबुला बबाई दाई चूना री अरे लड़का ने पूछी जुनरी जे किन्ने बब्बाई दई किन्ने जुटाणु गड़बाई दो तो लड़की बोली बबुल ने अच्छा एक बात और सुनियो तो भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी यारी बोले नहीं बोलो ऐसो कर ले अब कुल बात है चल रे सो लड़का बोले चल तैने कर के जा अब लड़की से माने कहीं भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी प्यारी कोई अपने काम ले जाई जी अरे भुंटा तो तू ही दीजिए अरे मेरी प्यारी कोई अपने काम ले जाई जी ऐसो करो जामे से तू घुंटा हमें दे दे तो लड़की बोली एक काम करो पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी जाए तो एक दुई की कोक है दस बीस ले जाइयो नाउ ने फेरे कई लला हम चलो तो लड़का बोलो ठीक है ना तो अब लड़का फिर से बोलो अबे ना है तू जकात के जब पक जाए तब ले जाइयो लेकिन बात एक और है पक्षी तो आए हैं काऊ ते सके अरे मेरी बल्ली तेरे भुंडा सब चुंगी जाई जी अरे पाजी तो कहे कहूं दे सके अरे मेरी धनिया तेरे भुंडा सब ले जाई जी तो बिदरिया बोली मारे मारे गुल्ला हमा मारे अरे परदेसी जवाब दो का उद्देश्य के पक्षी आए तो सब चुंगे जाए हमें नहीं उतरी देखे रह जाइयो अब यही जो कछु देश पकड़ा है तो हम लाए जाए तो लड़की बोली अब ना का तक गए आइयो अब इन भुंटन में रस नाए अब हुन तेते अब नायु ने कही लला अब तो चलो कुल देर हो गई ससुराल में पहुंचे में मैंने कही चंत है ससुराल में कहा है अब वे तुरंत ही वहां से चले अब गाँव में घूमन लगे जब गाँव में घूमन लगे तोले ब बिटरिया जो हती सोब भुंटन से घरे आई और घरे आए कि तुरंत ही जो है सहेलियां सब बोली ऐसो करो चलो नहाया
अब वे ताल पे नहान पहुंची गई। तोले बे नाई के संग घूमत घूमत बाई ताल पे फिर पहुंची गए। और जब फिर पहुंची गए सब लड़का बोलो चाचा हमें जब बाहे मालम पत्ते है कि जो होना आती खेत में सुन लेखवाले के सो नापुत फिरे जा रहो जब जकई के जब बाहे मालम पत्ते अपने कछु कहे हो रहू हम जा से तो बनाऊ ने जकई देखो लला हुन तो हारा वाही बात आती अकेली आती ओ हिन जो तुम कछु कहयो तो मारो को दुखी ना रहयो जो ध्यान राखो क्यों जाके संग में औरू सहेलियां हैं तो बोले कछु हो लेकिन कहें जरूर हती बाकी औरत ही जानता हते ना एक दूसरे। अब बे बाई के ढेंगा फिर ठाड़े भाई और फिर से प्रश्न करो बे लड़की से अरे किनने खुदाई दयो ताल है अरे मेरी मामिया कोई किनने बनाई दई जाके ताल किन्ने खुदवाए दो जाने खूब भैंसे सी लोट रही हो नहाए रही हो तो बेटरिया बोली खेत में तुम्हें आते फिर आएगी बबुला खुदाई दयो ताल को यरे परदेसी चलो अंगेलो तो चले में ससुरार की रत्तौ में मालम पूछ पूछ के चले में पड़े जब जकई पूछ पूछ के चले में पड़े सोई बे बोले रुक जा निकल के जा हम जाई से पूछे तब तो लड़का बोलो भूली के लपताई दया रे मेरी रास्ता भूल गए तास है मैं रास्ता बता दो हम काम में चले जाए लड़का ने जब पूछी अब हमें जब बता दो कि हम कौन गली तेम में जाएं क्योंकि हम रास्ता भूल गए हाँ और हमें बताओ हम काम में निकल जाएं तो अब लड़की ने इशारो का सुनाए करो वैसी मुंह से कही दई वाले मुंह से कही और जब कही देखो एक काम करो अब तुम रास्ता भूल गए ना सीधे चले जाओ सीधे बिल्कुल सीधे हाँ और आगे पेड़ या जहाँ सुना को है घमासान जवाब दो आगे अखेबर को एक पेड़ है जहाँ चारों तरफ तोता मिलेंगे हाँ और फिर अंगेला हुई कोई आदमी मिल जाए तिन से पूछ लियो सीधे चले जाइयो तो लड़का बोलो हम ऐसे ना है ऐसे ना है
अंगुरिया उठाए के बता, जब जकई अंगुरिया उठाए के बताओ तो लड़की बोली अंगुली उठा बता करू तू अरे परमेशी, कहीं ना कहीं अंगुरिया उठा के बता दो कौन सी रत्ता में चले जाए। सो बिटरिया बोली अंगूठा अंगूठा ओ सिंगट उठाए अंगुरिया आवे ले। सो जब जकई के अब तो बेइज्जती से ही गई। सो वो लड़का बात बदल के बोलो एक बात बता हमें, कहा के तुम घर कैसे पाला मारे मेरी नाउ बोलो लला भाई चलो ले चलो जो सिंगर तो दिखान लगी। सब लड़का बोलो तुम घर कैसे पाल माया रे मेरी ननिया, कोई भेजी जकई तुम्हारे घर कैसे पति हैं जो तुम्हें यहीं छोड़ दो ढेले बद्दसी घूमती और जहां में भैंस सी लोर रही है। तो वह लड़की बोली हम घर ऐसे बाल माया रे परमेश्वर तो से नौकर रहे और ना बेउ जानते थे। लेकिन वो लड़की बोली हम घर ऐसे पाल माया रे परदेसी तुमसे नौकर रहे दसा बीस जी, हम घर ऐसे पाल माया रे परदेसी तुमसे नौकर रहे दसा बीस जी। लड़की बोली अब हमें तो पूछ ले, अब तुम्हें एक बात बता दो है, कहा बताए नाई ने फिर सारो करो लला भाई चलो, अब जाओ तुम जैसे तो नौकर बता दे चलो। तो वह लड़की बोली तुम घर कैसी गोरली अरे परदेसी कोई भेजी तुम्हारी औरत कैसी है जो तुम्हें बात करने में अकल ना है तो तुम्हें परदेशों भेज दो। तो वो लड़का बोलो हम घर ऐसी गोरली अरे मेरी ननिया तो सी गोबर उठारे दुए है जो तुम्हारे जैसी औरतें बाकी सेवा करती घरे गोबर डालती। अरे जब जवाब तो सुनी तो बोले चलो सही है, नाई ने कही लला चलो कुल देर हो गई तो जवाब दो अब हम कछोरू कहीं कहीं। लड़का बोलो ऐसो करो तुम्हारे घरे ऐसे पति हैं जिनके घरे हम जैसे 10-20 नौकर रात हैं और हमारे घरे ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे जैसी सेवा करती। बाकी हमारी समझ में एक और बात है कि हम तुम दोनों एक समान लड़का व
औरत से बोलो, हम तुम दोनों एक समाना, मैं तेरी सूरत पे दीवाना, मान ले तुम मेरो कहना, तजके मोइना घर को जाना, कई देखो तुम और हम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तासे ऐसो करो अब तुम घरे मन जाओ और तुरंत यहीं तक चलो हमारे घोड़ा बैठ लो और चलो हम तुम्हें अपने घरे ले बाय चले। सो इतनी बात जब सुनी सो बिटरिया जो हती सतर पड़ी गई। हाँ अब जका मालूम हती कि जय हमारे पति। सो बा लड़की नी बात से बोली के हंसा न की रे हम से कौन से जो रे बनाए दो चलो नहीं बोलो तब लाल सयरे मेरे बेटा कोई आई गई है ससुराल जी। अरे नहीं बोलो तब लाल सयरे मेरे बेटा अरे आई गई है ससुराल जी। देख पति पत्नी सो बोलो ऐसो करो चलो और गांव में घूम ले अब संजा जो ले होया तब ससुराल पहुंची चले। लड़का जो हतो सो अंगेला को चलोगो और बे जाए कि घरे पहुंची सुन गगरिया उठाई और पानी भरने के लिए चल नहीं उन्हें कि बहु जाए ने कही जने कहां चलेंगी तुम तब घर में बूंद भरी पानी ना है। सो बे जाए के कुआ पे जब पानी भरने लगी और सखियन के संग में सो घूमत घूमत बे फेरियो हुई लगे आए और जब फिर यू लगे आए सोई नाई से कही के हमें जब भाई मालम पते ताला भाई दो बातें और कर ले और जब कही और दो बातें कर ले सो नाग बोलो हमें लगा साका में पिटा भाई और मैं तो राम नाग दियो वाले ससुराल में विदा करवाने के लिए आए अब मन तो वाले कहुवटा बनाए दो इन बिना मारे ना छोड़िए ताते ऐसो करो चलो। सो बोले तो तुम ही चले जाओ हम कहिए जरूर कहले तो अब लड़का ठाड़ो बाबा भाई बिटरिया से भरे बोलो के मारी मारी प्यासा ना हम मारे हमें पानी पिला दो हमें प्यास लगी। तो बिटरिया बोली पानी तो बाप के नौकर लगे हमसे पानी कच्चे घना कुम्हार के
मेरे प्यारे मेरे घर छुअत है लेकिन जे कई जे घड़ा से हमका हाथ ना लगान देता और ना हम पानी प्याए मत जाओ चाहे जिंदा रहो चले जाओ। दूसरी सहेली बोली ऐसो कर ऐसो कर अब जुआ है तो प्याए दो पानी प्याए दो न जाने कब को हारू थको है और न जाने को है पानी प्याए दो पानी ना कब पानी के लिए कोई ना ही कर तू प्याए सब बेटरिया ने महेशु कछो और करू अब भज के गई एक लोटा उठाई लाई और लोटा भरे के माने घूंघट मार लो घूंघट मार के तब भाई पानी पियाने को जैसे चली सोई भू पिछेला ठीक हो बाने की हाँ ऐसा ना पानी भी है अब लड़का बोलो बा लड़की से अरे अंधरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी कोई नहीं अंधरे को मेला लगी अरे अंधरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी अरे नहीं अंधरे को मेला लगी जो घूमा तू काहे को मान लो अंधे के हाथ लोग हम ना है पानी पी तो वो बेटरिया बोली घूंघट मने जा से मान लो घूंघट में बाग में बस अरे परदेसी कोई खोल तले तो ही खाई दी अरे घूंघट बसते और जब घूंघट खोले के हम का उसे बात करें तो वो खा लेते सो लड़का बोलो चुपिरा घूंघट में नाग नहीं बसते घूंघट में नाग नहीं बसे अरे मेरी प्यारी कोई खाई लाए है दसावी सजी अरे घूंघट हमारे घूंघट में नाग नहीं बसते तासे हम घूंघट खोल के पानी ना पिए सो लड़का बोलो चुपिरा नाग नहीं बसते ऐसे तो रोज खाते हो या काऊ ना काऊ और जब रोज खाते हो या तो तू कैसे जिंदा कर लेते तो वो लड़की फिर बोली और जब आप दोस्तों में ना मालूम परदेसी किस्सा शुरू हमारे भाई की अरे परदेसी बड़ाई तो उन्हीं की कत्ते हती लेकिन भी हमें लगा सफाई बोल तो ढीले हते से भी ना पाई हाँ वो लड़की बोली ससुर हमारे भाई की अरे परदेसी मेरी सास ढांका धरी ले अरे ससुर सब जादूगर हैं तासे सब रोज जिंदा कर लेता है सो बोलो हम मानेंगे ना पानी जरूर पिए और सो ऐसे ना पिए मुंह खोल के पानी तुम हमें पियाओ जब जकई के मुंह खोल के पानी पियाओ सोई बा लड़की ने जैसे ही मुंह खोलो लला और बाके बाद में पानी जब पियाओ अब पानी तो वे मुंह से पियन लगे लेकिन बन की नजर जो हती सो चेहरा पे जमी के रही गई रही गई और जब नजर चेहरा पे
जमिके रह गई तब हुआ अरे पानी पीबो भूल गए के गिर गए कब खाए सुंदर हती के जैसे ही बे उनकी सूरत देखता ही देख और जब बे गिर पड़े तो अब नाई बड़ो परेशान बे तो पानी भर के घरे चली गई के बैठा ले और बैठारबे के बाद में जार पहुंच के फिर सही कर ले और जकई लला ऐसो करो अब चलो उठ चलो भाई समय पे चले और आगे चले लड़की जो हती सो घर को चली लेकिन सहेलियन के बीच में रुकी रही उन बातन में लगी रही ताते पहले ही जो हते सुबह ससुरार में पहुंच गए। अब जब ससुरार में पहुंच गए सोने की भौजाई ने व लड़की की भौजाई ने जब देखी कि बेटी आ पानी भरने गई सो भाई ना आई सो भज के गई और माने हाथ में तो घड़ा छीन लो जकई तुम ऐसो करियो बगली ते मैं घूम के जाइयो हाँ दूसरे द्वार में निकल जाइयो क्योंकि तुम न मालूम आ गए आज भाई। अब वे जो है वे दूसरी गली ते में निकल के गई लेकिन मैंने देख तो लई वे सोचन लगे जे तो भाई है संजा भाई और संजा जब भाई सो बाई समय पे बल लड़का के ले उनकी भौजाई ने यानी उनकी सराज ने लड़की की भौजाई ने छत के ऊपर जाए के सुंदर सेज लगाई के लए बुलाई कुमर यो तारी और नाई को चौपार में एक खटिया के बाद में उन्हें तो लेटा ही दो और फिर अपनी नंद से कही
नाई के लिटाई दो और नाई के चौपाड़ पे एक अलग गया घटिया लला वन डाल दई और वन डालबे के बाद में भाबज ने बड़े सुंदर भोजन बनाए फिर जाके ये सो करो लली जो थार लाइन जाओ और खाना खवाया ऊपर जाओ खाना खवाया। अब उनने तो भेजो उन्हें ऐसो करियो ने घूंघट उंगट मारे के तमीज से जाइए अब देखेंगे का कहे। अब बिन्ने कहां मालूम हती सो बिन्ने जो है ब लड़की भेजी तो हाथ में थाली लाके चली दई अरे मेरे भैया कोई करो और सिंगार करके हाथ में पकवान को थाल लेके अब चली हुन सो चंती चली गई और जैसी बिन्ने पायल की झनकार सुनी छम छम सोई बिन्ने के बाद देले और सोचन लगे जब भय तो है जाने जा कही थी तो से कौन से हम ना ये तो करेंगे के बार जब लगे देखे मीठी मीठी बातें कर अरे मेरे सजन मैं खोलो बजू रखी के बार धीरे धीरे तो खटकाती नहीं हूँ हाँ और लगे तो उतर लेते रहते तो फिर धीरे धीरे आवाज लगाई कि के बार खोलो खोलो ना कितनी कड़ाके की सर्दी है अब के बार खोलो इन तो ठंड के मैं दाँती बजाते तो वो लड़का ने भीतर से कही हंसन की रे तू हंसनी अरे हमसे कागन से जोरे काहे कई तू तो हंसन की हंसनी है हम जैसे कई उठने के देखा काहे को आई भूल गए अबे हमें लगा था जत्ते ही मौत हुआ थे जने का बाने तो बेचारी ने सही कई बड़ाई तो नहीं की करी लेकिन बे समझ ही ना पाए अब भाव ऐसो पूरी रात बेटरिया बेचारी ठंड में ही डरी रही नीचे बिन ने भौजाई ने के बार बंद कर लाई सो बे ना नीचे के ना ऊपर रखी वहीं डरी रही सारी रात बीच में लटकी रही सवेरो जब भाव सोई बिन ने कही अब हमारी विदा करो और जब कही जब विदा करो तो उनके ससुर ने कही कि रुक जाओ फिर करवा लियो विदा कोई बात बिन्ने ना मानी और जब बात ना मानी सो बहुत फुर्ती करी अरे लीनो रथ को सजबाई Oh,
करवाई और विदा करवाए के बाद में भैया और वे तुरंत ही जो हते सो लेके चंदे अब नाई न जकई तू ऐसो कर लला अब रत्ता जा नहीं गो अब हम अपने ससुरारे को जाते हैं और तू विदा करवाए के ले आओ तू घर जा। सो नाई जो हतो सो वहीं ते अपने ससुरारे को चलो गो। अब वे जो रथ में बैठी हती बेचेता उठा उना है बे बेचारी बातें करती लेकिन गमन दुखा अबे बिन कउटा है मना है तो बिन सोची हम हमें समझ पाए ना। हां समझ पाए ना। अब ऐसो भाव के रथ रथ को लेके पे ना चलो अरे मेरे दादा कोई बैठी भी हाता संग में ना रे रे रथ को लेके पे ना चलो अरे मेरे बाबा कोई बैठी भी हाता संग में ना रे रे ठंडी ठंडी गबा प्यारी चले अरे मेरे लाला कोई सोई गई बस लगी और जब बस सोई गई बिन्ने सोची जू मौखा अच्छो लगो सो बिन्ने रथ और औरत हुई छोड़ दई सोवत भाई और तुरंत ही हुन से भाज के जो पठान से वायदा करके आए तो बाई चौराहे पे लला लगे जाए और जब बाई चौराहे पे लगे जाए इये ब बिटिया जगी तो पति को जब नाए देखो बेचारी बैलन से हाथ जोड़ के बोली भैया हम रास्ता तो जानते ना है तू हमें पिताजी के घर पहुंचा दे। अब लड़की पिताजी के घर को चली पिताजी के घर को चली ये पठान ने पूछी काय रे तू खाली हाथ काय को आओ जवाब दो भैया बन जा कही हम हंसन की हंसनी है। अब ऐसो भव लड़की जो हती सो पिताजी के घर को चली तोले चोर मिल गए तो भाई बीच में से पकड़ ले गए। तो अब आगे क्या हुआ इंतजार अगले नंबर का। लड़का ने किस तरह से दोबारा इस लड़की को पाया और कैसे इसने इस लड़की के पीछे मुसीबतें उठाई मजदूरी तक की है तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 तो आया प्राणी जगत में क्यों गफलत में रहो सोए अरे ऐसे काम कर बंदे तेरी जगत में हसी न हो। तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है और को नाम त्यागी दो प्रभु तेरे नाम की भेंट। अब तो नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तेरी हसी न हमारी हसी है। अरे ओरे मन वाली ओरे मन वाली तेरी आशा लगी घबराए थे नरसी चिट्ठी जब आई घबरा
चिट्ठी जब आई घबराए थे नरसी कष्ट सब दोस्तों राजपूत कैसेट के माध्यम से ये प्रेम कहानी का दूसरा भाग जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जरा गौर करें, जैसा हमने पहले भाग में दिया है कि उस लड़की को छोड़ करके जिस समय वो लड़का चला आता है और वो लड़की जब अपने गांव की ओर अपने पिता के घर की ओर चली है तो रास्ता में चिन्ह डालती हुई, कहीं चीर फाड़ती हुई डाल देती है, कहीं चूड़ी तोड़ के डाल देती है, आगे को बढ़ती हुई चली जा रही थी, बदमाशों ने पकड़ लिया, लेकिन किसी तरीका से बदमाशों से छूट गई और छूटने के बाद वो लड़की, अरे छूटी बदमाशन से वो नारी एक बाग में आई, अरे छुट बदमाशन से वो नारी एक बाग में आई, और सुंदर नारी देख की, हाय सुंदर नारी देख की के मालिन भज के आई, एक सुंदर स्त्री को जिस समय आते हुए देखा तो मालिन भाग करके सामने पहुंच गई उस बाग में, महाराज लई है हित करके बैठारी, मन में सोची बने हमारे जादे का किनारे, ना तो होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, हर ना तो होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, ये चक्कर भारी है वर्मा जी चक्कर भारी है, बीरन होनी है बलवान बड़े बदमाशन से छूट के जब औरत एक बाग में पहुंची और बाग में एक मालिन जो थी बड़ी बूढ़ी मालिन थी, और बाने जब देखी कि बड़ी सुंदर औरत है, सो बाने जब सोची कि हमारा लड़का घर में एक ही है, और बाग को ब्याहू ना बहु, और जब औरत को अगर हमारे घर में रहन लगी तो मान लो तो अब तो तरीका की बात है ना, सो वह औरत को फुसलाए के बल लेवाई गई अपने घर, और लेवाए के बाद में भाई ऊपर छत्ते पर आए दो औरत को, और अपने लड़का से जो कही कि तुम ऐसो करो, जय जो हम लेके आए ना, जय जय जान लो कि जो तुम्हारी औरत है, अब छत्ते पर ही है, चले जाओ, और रात ही गई रे लल्ला, जब रात ही गई तो बस छत्ते पर ही, और बाने तलवार निकाल के धर लई, बस समझ गई क्या चक्कर है, जब बाने तलवार निकाल के धर लई और बे हुए सड़न पर चढ़े, और जब सड़न में चढ़े तो केवार लगे भाई हते छते, हाँ जब केवार लगे भाई रहे तो धीरे धीरे आवाज सुनाई,
बिटिया को बात बताई, हम गए तेरे जोरे केबार खटखटाए, और जैसे ही केबार खटखटाए सोई लड़की ने भीतर से तलवार निकाली, जकई अगर तुमने नेकौ केबान से जीवे की कोशिश करी तो तलवार धरी है जैसे मुझे, और जो तलवार उनने देखी तो लला जीना पे लुढ़क पड़े, और वे लुढ़का तो भाई जैसे तैसे वे नीचे गिरे आए। जब नीचे गिरे आए के बिन्ने अब उनकी माँ ने मालिन ने पूछी का हुई गो लला, जब आप दो के बताओ हत्यारे ने है, और तुम जो कह रही हम बहू ले आए तेल है, अब हम कैसे रहे जो घर में हम ना रहे। तो सवेरो जब भाव अब राजा के लिए मालिन ने हार जो है तो तैयार करो। अब मालिन तो केवल दो लड़का हार गुहना जानती थी, अब औरत ने पांच लड़को हार तैयार करो। जब अब हार लेके जब चली तो राजा ने देखो बान जकई कह रही, जब बताए ऐसो बढ़िया हार तो लेके तू आज तक नहीं आई, एक बात हमें केवल बता दे कि कौन गुहो जू हार है अरे मेरी माले में वोई ती जो भेद बताई। मेरी माले में कोई सूली पे दे चढ़बाई दी, राजा बोलो ऐसो हार लेके तू आज तक नहीं आई, हार किन्ने तैयार करो है। तो अब मालिन बात बदल के बोली, राजा तुम्हें नहीं मालूम, अरे शादी भई मेरे लाल की अरे मेरे मालिक घर आई बहू हमारी हे जो तुम्हारे गंगा पास जी। मालिन ने जो कही कि हमारी लड़का को ब्याह हो चुको है और हमारी लड़का की बहू घरे है, बाने जुहार बनाओ। इतनी बात जब सुनी राजा ने तो राजा के दिमाग में एक बात आई कि जब जुहार इतो सुंदर बनाओ है तो जाके बनाना भाई बक इतनी सुंदर हुई है। अरे कहां माली और कहां मालिन छोड़ो और कहां हम राजा, बुलवा ले सोई सिपाही लोग भेज दो, और सिपाही लोग भेजे के बाद राजा ने के नारी लई बुलाए सुना चितलाए सभी सरदारी, अब बन के रही है आंगन में के मेरी घर बार। पर राजा ने औरत को बुलवाए लो, और बाकी सुंदरता देखने के बाद दिमाग में एक बात आई गई कि बड़ी सुंदर औरत है, छोड़ो बा माली को। ए नारी लई बुलाई सुनो जिन लाई सभी सरदारी सभी सरदारी, और बन के रही आंगन में के मेरी घर बारी।
और राजा के घर जाए लली पछताई, विपत्ति है भारी, विपत्ति है भारी। रई सुर से कर जोड़ के सुनो हमारी, रई सुर से कर जोड़ के सुनो हमारी। अब तो अब राजा ने जकई कि तुझे मेरी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। और जब इतनी बात सुनी तो सोचने लगी अब हम क्या करें, कहां जाएं, शिकंजा में फंस गई। तो राजा से जकई कि ऐसो करो, 12 साल तक बाप और लड़की का रिश्ता है और 12 साल के बाद में पति और पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। 12 साल तक तुम हमारे सगे पिता के समान हो, 12 साल की केवल हमें अनुमति चाहिए और 12 साल के बाद में जो आप चाहेंगे। राजा ये सोचने लगो 12 साल है, 12 साल कितनी देर अकेले, चलो कोई बात ना, 12 साल तक तू हमारी धर्म की पुत्री है, ये राजा ने कहा। और ये 12 सालों को वायदा है, अब चक्कर जीवनों के 12 साल है कटेंगे कैसे। तो लड़की ने अकेले बताई कि पिताजी ऐसे करो, जे बाग जितने लगे हैं ना सब कटवाओ, नए लगवाओ, मकान जितने बने सब खसवाओ, नए बनवाओ, 12 साल ऐसी पूरी हुई जाए। इतनी बात सुनबे के बाद में राजा ने बहे करो, बाग हतो सब कटवाए वो शुरू कर दो और दूसरो बाग लगवाए वो शुरू कर दो। और ये ललावे पठान के बेटा के पास जब पहुंचे, बाने जे कही के जब बता हम अपनी बहू बुलाए के लाए और तू खाली हाथ कैसे आओ। जवाब दो भैया, बाने जे कही के हम तो हंसन की हंसनी है, तासे हम छोड़िया। इतनी बात सुनबे के बाद में पठान बोलो, काय रे, अगर बाने जकई के हंसने की हंसनी तो हंसो तो तू ही बाओ। कने रो पागल है, अरे भाई छोड़े आओ, चल अपनी औरत को तो पठान ने घरे भेज दो। और घरे भेजबे के बाद में पठान और वो लड़का चलो वो औरत को ढूंढबे के लिए। और बाई वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां छोड़ गए थे सोवत भाव। अब वहां जब न रथ मिला न वो औरत मिली तो वो लड़का जिसके साथ शादी हुई थी वो कहने लगा कि छोड़ी हती कच नारे तैयार मेरी रनिया, कोई फूल खिलंती मेरी नारी जी। और बोला पतरी पतरी लग लगी अरे मेरी रानिया, कोई केरा जैसी डार जी। अरे पतरी अरे मेरी रानिया, जो उड़ी उड़ी लागी मेरे आंगा जी। अब तो दोस्तों पठान और वो लड़का दोनों हैरान हो गए, परेशान हो गए, लेकिन वो औरत को कैसे हूं कोई पतो ना चलो। अब ढूंढत भय आगे को बढ़त भय और का तरीका से बाई राज्य में पहुंची गए जहां में हाँ जहां बाग कटवाए जा रहे थे, नए बाग लगवाए जा रहे थे, मकान खसवाए जा रहे थे। जब वहां पहुंचे तो घोड़ा लेकर के मालिन के घर में छोड़ दिए। मालिन ने सारी बात बता दी कि राजा ने हमारी लड़का की बहू हती सोच ली। अब मालिन ने घरे बे घोड़ा छोड़ दे, जवाब दो इन घोड़ा की देख रेख करियो और हम जाए के देख रहे। अब बे घास छोड़ छोड़े गुजारो करने लगे, लेकिन एक ने कही कि ऐसा करो राजा की है ना बड़े नौकर काम करते हैं, तुम चले जाओ इनका एक मरे जाता। अब बे दोनों पहुंचे पठान के साथ वो लड़का और जवाब दो राजा से के मालिक मालिक हम कहें अरे मेरे मालिक, कोई
मालिक मेरी बात जी। अरे मालिक मालिक हम कहे अरे मेरे मालिक, ओई सुन मालिक मेरी बात जी। रोटी के खातिर हम फिर रहे अरे मेरे मालिक। जब बन्ने पतो लगाए लोग लड़की यही है। हाँ तो वे दोनों पहुंचे और राजा से बोले अरे रोटी के खातिर हम फिरे अरे मेरे मालिक, मोई धंधे से दियो ना लगाई जी। गरीब घर के लाड़ी ले अरे मेरे मालिक, मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाड़ी ले अरे मेरे मालिक, मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाड़ी ले अरे मेरे मालिक, गुजर होती है नाई। अरे गरीब घर के लाड़ी ले अरे मेरे मालिक, मेरी गुजर होती है नाई। हाँ दोस्तों, जिस समय वो दोनों पठान और राजा का लड़का दोनों बाई घर में जाके मजदूरी करने लगे जहां वो औरत रहती थी, फिर ऐसा हुआ जब मजदूरी करने लगे तो एक दिन वह औरत जो हती छत पे बैठी हती, बाने दूर से पहचान ली जाकी पत्नी हती ताने, और वह औरत को देख के फिर एक बात कही। वे छत पे बैठी हैं और वे नीचे पला धरे लाए जा रहे हैं, तब उनने एक बात कही कि छोड़ी हती कच्चा नारी तैयारे मेरी रानिया, यहाँ कैसे पहुंची आई जी। अरे छोड़ी हती कच्चा नारी तैयारे मेरी रानिया, कैसे पहुंची आई जी। इतनी बात सुन के अब वे पला धरे लाए जाते हते ऋषि देव, तोले वो औरत ने छत पे से जवाब दो, अरे ऐसी बात अब मत करो अरे मेरे दुल्हा मेरे सजना, अब तुमको मिलना की नाई जी। अब जोड़ा बिछड़ो तुम्हारी जी। और ऊपर सब लड़की ने जवाब दो अपने पति से, अरे बहुत पिया समझाओ तो अरे मेरे राजा, तुमने एक न मानी मेरी बात जी। अरे बहुत पिया समझाओ तो अरे मेरे राजा, कोई एक न मानी बात जी। अब पल्ले पड़ी गई जाई भूपके अरे मेरे राजा, गंगा तुमको मिलन की नाही जी। अरे पल्ले पड़ी जाई भूपके अरे मेरे राजा, अब तुमको मिलन गंगा नाही। जवाब दो वो औरत ने ऊपर से कि अब हम तुम्हें मिल ना पाए क्योंकि हम यहाँ से कंजाक में फंसे हुए हैं और तुम जो राजा घरे मजदूरी करके खा रहे हो, ताब हमारी आस छोड़ने के बाद में तुम अपने घरे चले जाओ। इतनी बात सुनी तो पठान को लड़का जो हतो से बोलो का पागल हो गई हो,
पठान अरे मेरी छोटी काहे को बात बनावे जैसे ही इतने शब्द सुनने के बाद में और तुरंत ही वह औरत ने पठान से जवाब दोगे देखो तुम केवल दो आदमी आए हो और हमारे पति तो वैसे ही मौदू हैं अगर मौदू न होते तो जब आता जे समझ नहीं पाते कि जब हमने जगह हंसन की हंस नहीं हम जिनके बुते को तो कुछ है ना और यहाँ के राजा के कब्जा में हम हैं तो अब जो है कैसे हम तुम्हें मिल ना सकते हैं इतनी बात जो हती बन छत तब मैं कही और तोले पर राजा की बहन जो हती लल्बा सुनते रही बाने सुन ली कहते मजूर कोई लगे ही ना और उनसे जब बातें कर रही अब बहन जो हती सु भाजी और राजा के ढंगा ठाड़ी भाई और जवाब दो भैया तुम ये ना काम से लगे हो और जाए तुम औरत बनावे के चक्कर में लाए हो बतो जानवाई और जानवाई जे चक्कर में तो मजूर है उनसे बातें कर रही और जवाब दो बहन ने के जिन कारण कचिया खसे अरे मेरे भैया और कटे नो लखा बागजी के लिए बउआ घर में टिके अरे मेरे भैया बहन जो हती से समझाए के बोली उनके लिए बउआ घर में टिके अरे मेरे भैया दे रानी से रहे बतलाई जी जवाब दो जिनके कारण जे महल दूसरे बनवाए रहे हो बाके लेबुआ आए गए और दो ठाड़े बास बातचीत कर रहे हैं अब धन धर्म दोनों गए अरे मेरे भैया तेरो धर्म बचे गो नहीं जी का कह रही हो बहन कहने लगी कि बाके लेबान भाई आए गए अब तुम्हें मिल ना सकते अब एक नीचे ठाड़ो ठाड़ो जा कह रहो ते ही कौन कहे हम जा राजा की बहन और संग ले जाए तासे अब भैया धन धर्म दोनों गए अरे मेरे भैया तेरो धर्म बचे गो नहीं जी जवाब दो वो बहन ने कि अब तुम्हारो धन और धर्म दोनों चले गए इतनी बात जब सुनी है तो वो राजा ने कही कि ऐसा कौन सो बहादुर पैदा होगा जो हियन आए के और हमारी बहन को और औरत को लेके जाए सब तुरंत भागो और भागवे के बाद में बाने दो जो हते पहलवान भेजे और दो पहलवान भेज के जवाब दो जाओ
देख के आओ कौन सो बात कर रहे हो बर्रानी से, उन दोनों को जान से मारना। इतनी बात जब सुनी है तो पहलवानों ने आगे बढ़कर के जैसे ही देखा वो दोनों जवान जो मजदूरी कर रहे थे और उए बेकुल्हाड़ी लेके राजा भाजे, और जब राजा भाजे सुबह छत तम में देख ले के जे आए रहे और जे जिंदा ना छोड़ेंगे ने। सोई ब लड़की जो हती जो छत पे ऐसे चिल्लाए के बोली कि बबूला बबूला हम कहीं अरे मेरे बबूला कोई सुने बबूला मेरी बात दी अरे पते गचलाई हो यारे मेरे बबूला कोई सुन बेटी के बोल दी वो लड़की राजा से बोली जाय साहब 12 सालों को वायदा कर दो तो ना कि 12 साल तक हम तुम्हारी लड़की हैं। सोई वो लड़की बाप पिता से बोली ये दोनों जो हमसे बातचीत कर रहे थे दोनों भैया मेरे धरो माथे अरे मेरे बाबूला ये हुए के कोई ना है। ये दोनों भैया मेरे धर्म के अरे मेरे बबूला कोई बिहन से रहे बतलाई जी अरे दोनों भैया मेरे धर्म के अरे बातचीत कर रहे हैं जो हमारे दोनों धर्म के भैया हैं। इतने शब्द जब सुने तो राजा तो रुक गो जो कही अगर भैया हैं थे तो हमारे सारे ही भाई वाले हाँ चलो छोड़ा ना मारें। लेकिन पहलवान से कही कि जाओ उन्हें देख के आओ और अगर नेकू कुफर बकबे कोशिश करें उन दोनों को जान से मार देना। अब वे पहलवान जो हते सु भाजी अब छत पे बैठी नहीं, जब वे छत पे बैठी नहीं और उनने पहलवान आते भाई जब देखे तो पठान के लड़का से एक बात कही बेटी ने हाँ लड़की ने पठान के लड़का से बात कही जहां पे दोनों मजदूरी कर रहे थे उनसे अरे जोड़ी तो छोड़ी पड़ी जोड़ की अरे मेरे जेठा पठान से कही निकामो दू को रखियो भानु जी अरे जोड़ी तो छोड़ी पड़ी पठान के लड़का से इशारों करके लड़की ने छत से ही जवाब दो अरे बलम हमारे जो मर गए अरे मेरे जेठा हम चौकराण हुई जाई जी समझाए सुनाए मानो। और देखो पहलवान भागत भाई आ रहे हैं हमें तुम्हारी चिंता ना लेकिन चिंता उन मौदू की है जहां जो तुम्हारे पास में ठा रहे हैं तासे अब लाज तुम्हारे हाथ में अरे मेरे जेठा मेरी चुरियन को राखियो ध्यान जी अरे लाज पठान ने सुनी जो बा को दोस्त है तो बाने बाने नीचे जवाब दो कैसी हीनी हीनी बातें कर रही हैं कब पागल हो गई अरे छत्र न किया तू लाडली अरे मेरी छोटी कोई क
कर प्यार सी बात दी अरे छत्र की तू लाड़ी अरे मेरी छोटी कोई कर प्यार सी बात दी और बोलो वो पठान अटा पे बैठ के देख ले अरे मेरी छोटी अरे नैनन से ले उनिहारी जी अरे अटा से बैठ के देख ले अरे मेरी छोटी कोई नैनन से ले उनिहारी जी ए! नीचे से पठान ने कही के दुई भेज दे बाने भेज दे आ जान दे जो कछ होया सो देखी जाए अब तुम ऊपर तो बैठी छत पे अब हुन ते हम लोगन के नाटक देखो तोले पहलवान जो हते सो बिन से दोनों से एक एक करके भिड़ी हो जाए और जब पहलवान भिड़ी गो अब पठान ने अरे लेके ऊपर को धर मारो और जाको करी गो हंस के नाम जे पठान ने हते सुबे तो ऐठ के धद दे लेकिन अब उन्हें के पति जो हते सु बेचारे सब ताकत लगा रहे हैं लेकिन वो कैसे वो नीचे ना गिर रहा है पहलवान और जब नीचे ना गिर रहा है तो मन छत ते मैं ऊपर से आवाज लगाई अपन पति के लिए और जवाब दो कि यार तुम्हारो छल यार ने मारो अपने दुष्ट को अरे मेरे सजना दुका बहनोई लग तू तुम्हारी जी अरे यार ने मारो अपने दुष्ट को अरे मेरे सजना और छत पर से अपने पति से बोली मोई छोड़नो सहज तो यारे मेरे सजना जू हनुमान की रात तो पहनाई दी अरे मोई छोड़नो सहज तो यारे मेरे सजना जू का हनुमान की रात पहनाई दी हाँ बातें सुन के अपनी नारी की अरे सुनी औरत ने छत ते हम मैं कही हमें छोड़बो तो बड़ो सहज है तो सो हाल छोड़ के बना में और भाजी गई अब जो तो बहनोई लगा तो जो गेत रहा है तो आए बोते उसे इतनी बात सुन के बिने रोस आएगो सुन ने बोग उठाओ धरी मारो अब दोनों पहलवान खत्म भाई और जब दोनों पहलवान खत्म भाई सोई बहन जो हती बराज आ गई चुगली करी फिर बाजी
और जाए के अपने भैया से बोली कि दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे भैया। जवाब दो। दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे पीराना, अब सोचो कोई उपाय जी। अरे दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे पीराना, अब सोचो कोई उपाय जी। जवाब दो के जो दो पहलवान भेजे हते ईट गायरा को जो काम कर रहे बाने, एक पकड़ के तुम गायरा में घुस दो और दोनों पहलवान खत्म हो गए, अब कुछ और सोचो। अरे छत्र न को दोनों लाडी ले अरे मेरे भैया, कोई धूर में दो है मिलाई जी। अरे छत्र जोड़ी बिना करो अरे मेरे भैया, तुम माफी मांगो जाई जी। अरे हाथ जोड़ी बिनाती करो अरे मेरे भैया, अब माफी मांगो जाई जी। लड़की ने जाए की जा कही कि दोनों पहलवान जो भेजे हते सो पहलवान दोनों खत्म हो चुके हैं, अब तुम ऐसो करो हाथ जोड़ के चुपचाप माफी मांगो जाएगी और जब कहो कि भैया अब हमें छोड़ दो, तब तो तुम्हारी जान बचे ना, बचे ना आयो गई बहो गई जा लेके आए सो गई गई अब ना रहे गई बनने तारीख को गई। जवाब दो। पर राजा ने कि बहन वे दोनों पहलवान खत्म हो गए। बोली हां। इतनी बात सुनने के बाद में वो राजा ने जवाब दो, देख बहन घबराओ ना, वो औरत अरे औरत कहां जाए, बे दो ही तो मर गई है ना। अरे एक से एक हमारे जोरे टिके पड़े बलधारी, समझाए कि जकई की ऐसी कौन सी बड़ी बात है, अगर दो पहलवान खत्म हो गए तो हमारे पास दो ना है, हजारों पहलवान पड़े हैं, सो ही बाने दो की जगह पर चार भेजे। और जवाब दो, जाओ उन दोनों को जान से मार देने का काम है केवल तुम्हारा। कौन से ऐसे नौकर हैं जो इतने मन बढ़ गए हैं जो हमारे पहलवानों को मार दिया। इतनी बात सुनी के जब चार पहलवान चले सोई बरानी ने छत ते में भेद देख ले के अब इधर दो ना है चार हैं। पठान से जवाब दो, अरे चार तो योधा भेजे हैं अरे मेरे जेठा, अब कर दो नाए चार पठाए छत ते मैं बोली चार तो यो
था भेजे हैं अरे मेरे जेठा, अब कैसे बचाई हो जानी जी। इसलिए तुम ऐसा करो, अब जाने बचाई की भाजी हो यारे मेरे जेठा, मोसी और मिलेंगी दुई चार जी। आस जो हमारी छोड़ी के अरे मेरे जेठा, इनकी शादी लियो राजाई जी। अरे आस तो हमारी छोड़ी के अरे मेरे जेठा, मुझी शादी लियो राजाई जी। इतनी बात जब सुनी तो नीचे से पठान ने जवाब दो के देख, ये हमारा मित्र है और मित्र के पीछे में अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अरे जियत रहे जाई देह से अरे मेरी छोटी, तो कौन संगई चलेंगे लीवाई जी। अरे जियत रहे जाई देह से अरे मेरी छोटी, हमारी पठान की अरे मेरी छोटी, कोई जियत न छोड़े गुइया साथ जी। अरे जाते हमारी पठान की अरे मेरी छोटी, कोई जियत न छोड़े गुइया साथ जी। आ जवाब दो, घबराओ ना, दो भेजे चाहे चार भेजे, अब जो कुछ भेजे भेजन दे, और चारों पहलवान जाए के अब एक एक से दूध दुई भिड़ गए। अरे और जब दुध दुई भिड़ गए तो पठान बाने एक को लो सो नीचे दबाए लो, दूसरा देखो उठाए के धरे मारो सो भी, तो हते तैसे ही अब अकेले का अकेले ही ठाड़ रहे गो बे, दोनों जो हते सो पठान ने पहले ही ले डारे। और जब पठान ने बे दोनों पहले ले डारे, अब बे हुए बेचारे गिरी उजाते हैं, धरे धरे मारते हैं, बड़े परेशान, लेकिन बे दोनों उनसे गिरे ना है, तब वो छत पे पठारी रहे वहीं से फिर चिल्लाए के बोली, अपने पति से कहने लगी, क्या बोली गुरुदेव, अरे कैसे हो तुम बाकुरे अरे मेरे बलवा, कितना है तुम पे बादन तो बड़ो जोश से खाते थे। अरे मोई छोड़ी बना बीच में अरे मेरे दुला, अब योधा गिराता तो पहनाई दी। अरे इसलिए अब तुम ऐसा करो, आस हमारी छोड़ के अरे मेरे प्यारे, कोई भजियो जाने बचाई सुनी, सबने लड़ेबो तो छोड़ दो उन दोनों से ऋषि, अब पुरानी याद करके जवाब दो अपनी पत्नी से कि अब चाहे कुछ भी कहो, तेरी बात न मुँह रख बने अरे मेरी
परेशानियां तासे रहे हैं मुसीबत गंगा झेल दी अरे तेरी बात न कही अरे हंसन की तू हंसनी अरे मेरी रानी तेरी समझ न सके कोई बात जी अरे हंसन की तू जवाब दो हमसे भूल हो गई बहुत बड़ी जो हम तुम्हारी कोई बात ना समझ पर ताके मैं जो है आज इतनी मुसीबतें हम उठा रहे हैं इतने शब्द सुनबे के बाद में तोने वो पहलवान ने हते सुबह नीचे डाल और जब नीचे डाल लाई तो पठान से सारो करो वो लड़की ने के देखा ने को नगा देखा जो मोदी मरे जा रहे देखा सोई पठान ने बे लेके और बेव दोनों जब जान से मार दे और जब जान से मार दे बे चारो पहलवान अब राजा के ढेगा वो बहन हती सुबह भाजी और जब बहन भाजी सुबह राजा ने कही अब हम ही खुद जाए और देखें देखे कौन सो पहलवान और कौन सो बहादुर जो मन को बड़ो भाव है जो हमारे चार पहलवानों को और एक बार में खत्म कर दिया तुरंत भाजो और जब भाजो उनसे सोई बे लड़की ने छत में आवाज लगाई कि पिताजी बात सुनो तब तो नीचे से राजा बोलो अरे तेरी बात ना माने है अरे मेरी बेटी तूने दो स्वयं मर गए अरे मेरी बेटी अब कैसे मुख दिखाई दी अरे छे जोदा मेरे मर गए अरे मेरी बेटी अब कैसे मुख दिखाई दी जवाब दो जब हमारे छह पहलवान खत्म हो गए और तेई बातों में आए के बाद मेरा घर का बनता डर हो गया अब हम इन दोनों पहलवानों को जान से मार देंगे तो अब लड़की जवाब दो पिताजी तुम भूल कर रहे जे दोनों बिरन वाला बाना है अरे मेरे बबुला जो भैया था हमारी दी अरे दोनों बिरन वाले बाना मेरे बबुला जो भैया था हमारी दी जवाब दो जे दोनों हमारे भैया हैं जिनसे तुम युद्ध करवा रहे हो और जे बड़े बलवान हैं तासे ऐसो करो अब जे हमारे भैया हैं जे घरे हिनो आई गए और अब 12 साल है तो बहुत दिन बाद हुई 12 सालों को वायदा करो हम तो मने तासे ऐसो करो हमारे भैया आई गए हैं अब तिलक अब ही करवा लो और तुम राजा बनो हम तुम्हारी रानी बने तासे 12 सालों को इंतजार कहाँ करे हो कहाँ कैसी बात है और अगर तुम इनसे लड़ोगे तो लड़की ने कही कि जाने तुम्हारी जे ले लिए अरे मेरे बबूला तेरी बेटी कहाँ को जाएगी अरे जाने तुम्हारी ले लिए अरे मेरे बबूला तेरी बेटी कहाँ को जाएगी हाँ, कल तुम्हें बता लाई थे अरे मेरे बबूला तेरे दोनों धर्म रही जाएगी अरे
निकली जो तिलक लगाई जी अरे बारा बारा सता बहुत है अरे मेरे बाबूला निकली जो तिलक लगाई जी जवाब दो देखो पिताजी जे हमारे दोनों भैया हैं जो युद्ध कर रहे हैं सो और अगर तुम इनसे लड़े तो बचोगे ना और जब तुम्हें जरूर मार देंगे तासे ऐसो करो जे हमारे भैया हैं मैंने की ताकत तो तुमने जवाई हुई जैसे कछोटी थे और 12 साल है बहुत दिन में हुए तासे तुम हमारी शादी अबे ही करवा लो और भैया हुआ है घर अब जो कुछ तेरे को लोग करवा सो करवा लो काहे को 12 साल के इंतजार में रहियो बनाए दो जूतिया अब इतनी उनने सुनी सब ने को लला अप आए अब तो लगो नहीं पर नंबर अब कहूं पांव डारे कहूं गिरे वो तो पंदा के चक्कर में तो अब गए और जो दोनों पहलवान हते पठान को लड़का और राजा को लड़का बस दोनों हाथ जोड़ के जवाब दो पर राजा ने कि हमें माफ करो हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे रिश्तेदार हो रो हमने तुम्हें जबरदस्ती है तो परेशान करवाओ तासे अब जो कुछ बहुत होएगा और भूला जो हमारी हुई गई अरे मेरे साले जो पहले सके न पहचाने अरे भूल तो हमारी है गई मेरे साले ओ पहले सके न पहचाने रिश्ता में सारे लगाया रे मेरे बाबा जवाब दो रिश्ता में साले लगो रे मेरे भैया कोई चलो महल के बीच जी अरे रिश्ता को रे साले लगो रे मेरे भैया कोई चलो महल के बीच जी जवाब दो तू तो हमारे रिश्तेदार हो और तासे तुम चलो ना घर चलो पकड़ी कलाई को हाथ पकड़ के बाहर चले अब जब इनने कही तुम्हारे रिश्ता में साले लगा तो पठान ने कही के हम आज कहा था वे हाल ही उनने के दे रहे हो जी कही कह रहे हो चलो छोड़ो वो औरत को संकेत पाए के भी रुक गई और औरत से जब कही तू ऐसा करिए काऊ तरीका से तू वहां मिल जाइए और हम अपने घोड़ा लेके पहले घर पहुंचेंगे अब बिन से राजा ने कही तुम हमारे साले लगे तो मजदूरी करते हो जिस काम में बड़ी शर्म भाई बात है चलो हम तुम्हें बड़ो लंबो सो मुनिम बना दे रहे अब उन्हें तो मुनिम बना दो और उन्हें उनने उड़न खटोला सजा उड़न खटोला सजाए के बाद हम बैठेंगे और जवाब दो पिताजी हम गंगा नहाए के हैं और बाके बाद में जो है तब हमारी संग तुम्हारी शादी सुन के और जो कही तुम्हारी बहन है ना जाओ बैठ दो हमारे संग अब जो बहन है थी बाऊ को बैठा लो बे उड़न खटोला पे चलन लगी तो बाने सीधी से कही उड़न खटोला से कि तुम गंगा जी की ओर नहीं हमारी ससुराल की ओर चलो और जब जो कही ससुराल की ओर चलो सोई उड़न खटोला बारू चरण लगो अब जो बहन बैठी हती बा के ललाब काटे खूनना बा बोली भाभी गंगा जी तक कहाँ है कहाँ जा रही हो तुम्हारे उत्तर में गंगा बहे अरे मेरी भाभी हम रे पश्चिम दिशा जाई जी अरे लड़की ने जवाब दो बाबटरिया से ओरी भाव जा मत कहे अरे योरी बेहा अरे भाव जा मत कहे अरे योरी बेहा नहीं नीचे दिए तपाकाए दी अरे भाव चुगली
करी तूने भूप से यारी योरी देखा तो सौती बनाई है घर जाई दी अरे चुगली करी तूने भूप से यारी ओ बेया तो सौती बनाई है घर जाई दी जवाब दो अगर नेको कानून ने करी तो ऊपर से नीचे ही गिराई दी तासे तू जय हम चल रहे और जैसे चल रहे तासे चलन दे अब बे चुपचाप बेचारी बैठी रही वहां की भाई अब बाकी बहन को लेके और बे जो हती सु चली आई अब रास्ता में बे पठान और बुलड़का राजा का वो भी मिल गया जब दोनों मिल गए तो जवाब दो बर राजा के लड़का ने पठान से कि भैया ऐसो कर तूने बड़ो उपकार करो मेरे संग तासे जब दो औरतें हैं ना और जब ब्याही तो हम ले लिए अरे मेरे बिरना और एक को तुम ले जाऊ जी अरे ब्याही तो हम ले लिए अरे मेरे बिरना अबा एक को तुम ले जाऊ जी धर्म निभाओ मेरे संग में अरे मेरे भैया अरे और सके ननी भाई जी अरे धर्म निभाओ मेरे संग में मेरे भैया और न सकोली भाई जी पठान के लड़का ने कही तुम राजा के लड़का हो और बेटा तो ही पठान के अरे मेरे भैया तुम राजन के हो सुकुमार जी अरे बेटा तो घटे गो मेरी जाति को यारे मेरे भैया तसे दोनों जाऊ ली भाई जी अरे धर्म घटे रे मेरी जाति को यारे मेरे भैया तसे दोनों जाऊ ली भाई पठान ने जवाब दो कि हम देखो तुम राजा के लड़का हो हम पठान है तासे तुम ऐसो करो जब बात हमें शोभा ना दे रही है हमने मित्रता के नाते जो तुम्हारे संग निभा सके सो निभाई और तुम मुझे दोनों ले जाओ सोई बे दोनों लेके घरे आए और घरे आए के उन दोनों के साथ रहने लगे सान दो साल बाद बजो बहन अति बा के लड़का पैदा भाव और जब फिर उन दोनों में सोतिया डाह बन के तैयार हो गया दोस्तों पहली बात तो ये थी कि वो औरत बा जबरदस्ती लिवाए के लाई और बा के बाद में उन दोनों में सोतिया डाह बन के तैयार हो गया फिर आगे क्या हुआ आप वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें प्रेम कहानी अर्थात साथ ही साथ एक बात और भी बता दें कि देहाती कीर्तन आप सुनेंगे हमारे छोटे भाई मंजेश कुमार अर्थात हमारे शिष्य ऋषि देव के मुखारविंद से देहाती कीर्तन के नाम से जो कैसेट राजपूत कैसेट के नाम से आ रही है तो अति शीघ्र आपको प्राप्त होगी देहाती कीर्तन किस तरह से आज भी गांव में देहातों में किस तरह से कीर्तन हो रहे हैं वो कहानी।